सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करेंगे OTG कनेक्शन जो सेटिंग होता है ये क्या काम आता है। और दूसरा नंबर, आपने नोटिस किया होगा कि आपके जो फ़ोन में कनेक्ट करते हैं तो आपका जो OTG कनेक्शन नहीं होता है, तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है आपको बताने वाला हूँ। वीवो के किसी भी डिवाइस में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप PC में कनेक्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, फाइल वगैरह ट्रांसफ़र वगैरह करते हैं तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डिस्प्ले वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा। सॉरी, लॉक स्क्रीन इसमें भी नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, इसी में ये रहा आप देख सकते हैं, आपको ब्लूटूथ वायरलेस कनेक्टिविटी वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है और ये OTG वाले ऑप्शंस को ऑन कर देना है। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, व्हेन यू इनेबल योर फ़ोन एंड कनेक्ट फ्लैशिंग स्टोरेज, आपका स्टोरेज वहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे आप चार्जिंग वगैरह उन सब का परमिशन आ जाएगा। आप डिजेबल कर सकते हो ऑटोमेटिकली यूज़ और फाइव मिनट्स में ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाएगा। इसीलिए आप कनेक्ट कर देंगे तो रुका रहेगा, लेकिन आप कनेक्ट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली 5 मिनट में ये ऑफ हो जाता है। इस तरीके से ये आपके सिक्योरिटी के लिए होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसको ऑन करेंगे तभी आप इसके अंदर जो भी चीज़ लगाएंगे तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जब ही कनेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर्स होता है सिक्योरिटी लेवल पे। तो गाइस कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय बाय।